ग्लो कैसे करती है और मैं अपनी स्किन केयर रूटीन में क्या क्या चीजें फॉलो करती हूँ, मैं अपनी स्किन हेयर और हेल्थ का ध्यान कैसे रखती हूँ, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है, मेरा मॉर्निंग केयर रूटीन क्या है, नाइट केयर रूटीन क्या है। अगर आप लोग मुझे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैं डेली शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस में ये सब चीजें टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। बट रिसेंटली अभी मैं क्या यूज कर रही हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम स्किन केयर प्रोडक्ट, व्हाट आर द अदर थिंग्स जो कि हम फॉलो कर सकते हैं अपने रूटीन में, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट है पानी। आपको डेली 3 लीटर पानी पीना चाहिए फॉर ग्लोइंग स्किन। आपको पता ही है कि जो पानी होता है वो हमारी स्किन को अंदर से ग्लोई बनाता है, हमारी स्किन में कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को नहीं होने देता है। जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे आप देखेंगे आपकी स्किन उतनी ही ज्यादा ग्लो करेगी। और अब तो गर्मियां भी आने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि पानी पीने में किसी को कोई भी दिक्कत होगी, तो हमको 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। आप सुबह अपनी एक बॉटल भर के रख लो और पूरा दिन उसको पीते रहो, इससे क्या है आप अपने टास्क भी ईजिली कंप्लीट कर पाओगे। तो सेकेंड है हमारे हेयर्स के लिए प्रोटीन। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रोटीन आप अंडों से ले, मीट से ले या फिश से ही मिलता है, आप दाल से भी प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो लोग दाल ले सकते हैं, अदरवाइज एग में बहुत प्रोटीन होता है, फिश में, मीट्स वगैरह में काफी प्रोटीन होता है। थर्ड है फाइबर। हमें अपनी डाइट में फाइबर को भी ऐड करना चाहिए। हमारा एक जब हेल्दी रूटीन रहेगा, हेल्दी डाइट रहेगी, तो हमारी स्किन है वो अंदर से ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। फोर्थ है कि आप कोई सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं अभी ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ ये फाइटिका का लेट इट ग्लो फॉर स्किन हेयर एंड नेल्स पाउडर। इसके अंदर है कोलेजिन जो स्किन को रिवाइटलाइजेशन करने में हेल्प करता है, रिंकल्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है एंड एजिंग की प्रोसेस को भी डिले करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है। एल ग्लूटाथायोन है जो कि स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। हाइलोनिक एसिड है जो कि स्किन को प्लम्प करता है, स्मूथ बनाता है एंड हाइड्रेट रखता है। विटामिन सी है जो स्किन को ब्राइटन करता है एंड हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर बायोटिन भी है और बायोटिन हमारी स्किन, नेल्स और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन। ये आपको सिर्फ एक चीज का फायदा नहीं दे रहा है, ये आपको बहुत सारी चीजों का फायदा दे रहा है, जैसे कि इसके अंदर है कोलेजिन, इसके अंदर एल्ग्लूटाथायोन है, हाइलोनिक एसिड है, विटामिन सी है एंड बायोटीन है। तो मतलब सारे जो ओवरऑल चीजें हैं वो इस एक में आपको मिल जाती है, जो कि ध्यान रखती है आपकी स्किन का, आपके हेयर्स का, आपके नेल्स का। तो आपको डिफरेंट 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 चीजों पर नहीं जाना पड़ेगा या अलग अलग कोई सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ेंगे, आपको ओवरऑल सारे जो फायदे हैं वो इसी से मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी स्किन का हो, चाहे आपके नेल्स का हो, चाहे आपके हेयर का हो। कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कोलेजिन के लिए हम कोई कोलेजिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, बायोटीन के लिए हम कोई डिफरेंट सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो क्या है एक टाइम पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि क्या है कि एक अगर आप दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट ट्राई कर रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपको कोई आपकी बॉडी कोई रिएक्शन कर जाए या फिर बॉडी में कुछ दिक्कत हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। बट यहाँ पे क्या है, इसमें हमें सारी चीज मिल रही है, तो इस चीज का मैं इसे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मानती हूँ। क्योंकि कभी भी एक साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सप्लीमेंट नहीं ट्राई करने चाहिए, एक टाइम पे सिर्फ एक टाइप का ही सप्लीमेंट ट्राई करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसको लेना कब है एंड कैसे है। तो गाइज आपको एक गिलास पानी लेना है, नॉर्मल या गुनगुना कैसा भी आप ले सकते हो, मैं तो नॉर्मल पानी से ही इसको लेती हूँ। एंड उसमें बस एक स्कूप आपको मिला देना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड उसके बाद आपको इसे पी लेना है, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसको परचेज कैसे करना है। तो गाइज ये आपको फाइटिका की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, फाइटिका.com, Amazon, Flipkart और भी बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है, तो वहां से आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर इजीली मिल जाएगा। गाइज ये सप्लीमेंट पीने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसका जो फ्लेवर है वो है पाइनएप्पल स्प्लैश और बहुत ही अलग सा है। मुझे वैसे भी पाइनएप्पल का टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे मैं कोई भी ऐसी कुछ चीजें ट्राई करती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा मुंह बनाती हूँ, पर मेरे को लेना पड़ता है कि मेरी स्किन अच्छी रहे, लेकिन इसका टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड गाइज इस प्रोडक्ट की जो सारी डिटेल्स है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, इसको कहाँ से परचेस करना है, कैसे करना है, लिंक्स वगैरह सब चीजें मैंने नीचे मेंशन कर दी है। तो आप लोग एक बार
है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। सो गाइज यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।